ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लिविंग रूम मेकओवर फॉर फेस्टिव सीज़न। एज़ यू ऑल नो, अभी फेस्टिवल सीज़न ऑन द वे है, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल मिनिमल चीज़ों से आप अपना लिविंग रूम कैसे डेकोरेट और ऑर्गेनाइज कर सकते हो, लेट्स। यहाँ पे मैं कर्टन्स चेंज कर रही हूँ, न्यू कर्टन्स आई एम पुटिंग, एंड ये अमेजोन से है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये कर्टन्स बहुत अमेजिंग है। मुझे कुछ 1800 के दो कर्टन्स मिले हैं एंड ये प्योर कॉटन है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आपको ये प्रोडक्ट। ये कर्टन से एक अलग ही वाइब्स आ जाती है लिविंग रूम में, मतलब एक एस्थेटिक वाइब आ जाती है, और ये प्योर कॉटन के हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी गाइज ये कर्टन, और लगाने के बाद आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल इसका लुक आ रहा है पूरे रूम में, मतलब आपका एक लिविंग रूम में एक अलग ही जान आ जाती है। बहुत ही सुंदर कर्टन है। सोफ़ा कवर्स मैंने सिंपल ही रखे हैं, बिकॉज एज़ यू कैन सी कर्टन्स मैंने थोड़े से हैवी रखा है, एंड ये बहुत प्लेन सा कुशन कवर सोफ़ा कवर्स है, सॉरी। एंड इसमें जो कुशन कवर्स मैंने ऐड किए हैं वो मैंने वेस्ट साइड से लिए है, वो भी बहुत अच्छे हैं एंड बहुत परफेक्टली मैच हो रहा है। ये लाइट पिंक शेड में है, आपको शायद पता नहीं ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं ड्यू टू लाइट, बट ये कुशन कवर्स भी बहुत अच्छे हैं। कर्टन्स ऐड करने के बाद नाउ नेक्स्ट DIY है। ये मैंने पेपर प्लेट लिया है जो कि यूजुअली सबके घर पे अवेलेबल होता है, उसको मैंने ग्रीन कलर से पेंट किया है एंड उसको डेकोरेट किया है मैंने ये पॉम पॉम से जो मेरे घर पे रखा हुआ था। आप चाहो तो इसको और दूसरे तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हो, बट मुझे बहुत सिंपल और बहु वाइब चाहिए था, तो मैंने ये पॉम पॉम से इसको पूरे डेकोरेट किया है फॉर माई सेंटर टेबल। ये कंप्लीट होने के बाद लग ही नहीं रहा है कि ये पेपर प्लेट से बनाया है। ये नो कॉस्ट DIY है, आप भी ऐसे इजी DIY यूज़ कर सकते हो और अपने फेस्टिवल सीज़न में अपने हॉल और लिविंग रूम को एक अच्छा मेकओवर दे सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये कॉर्नर डेकोरेशन है। ये मैंने मेरे शॉर्ट वीडियोस में भी अपलोड किया है। ये मेरे पास स्टैंड था, उसको मैंने येलो कलर का पेंट किया है एंड इसमें बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट्स ऐड किए हैं, क्योंकि प्लांट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कब का रूम में एक अलग ही लाइफ आ जाती है। एंड मेरे पास ये कुछ ब्रास के स्टैंड आइटम थे, ये दो शोपीस है एंड ये दो कैंडल होल्डर्स है, तो मैंने इसको डेकोरेट किया है अपने कॉर्नर के लिए, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में कैंडल्स ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ये लैंट्रन है, ये दो लैंट्रन का सेट लिया था, ये भी मैंने वेस्ट साइड से लिया था एंड इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाइस। अब इसको थोड़ा सा और फेस्टिव लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिए है, गार्लैंड सॉरी। मैंने ये गार्लैंड से बहुत सिंपल डेकोरेशन किया है, आप चाहो तो अपने वे में इसको थोड़ा हैवी भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्पेस, एंड मैंने इसको बहुत सिंपल ही रखा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ चार गार्लैंड्स का यूज़ करके मैंने इसको सिंपली डेकोरेट किया है एंड नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट जो कि है ये कैंडल्स। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी फेस्टिवल हो, कैसा भी लुक हो, कैसा भी इवेंट हो, एक कैंडल लाइट ऐसी चीज़ है जो एक जान डाल देती है कोई भी डेकोरेशन में। एंड जो आप पीछे वॉल में आप गार्लैंड्स देख रहे हो उसमें मैंने फेरी लाइट्स लगाया है, मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। सो द वीडियो हैज़ कम टू एन एंड एंड हियर इज़ माई फाइनल लुक ऑफ द लिविंग रूम, एक फेस्टिव लिविंग रूम कह सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू ऑल विद द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बाय।